YouTube चैनल भारती मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 का नाइन्थ सम देखिए क्या है। तो नाइन्थ सम है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टैन ए इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये हमारा फर्स्ट सम है। और सेकंड सम है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमें tan a की वैल्यू दी हुई है, इसका यूज करके हमें इन दोनों क्वेश्चंस को है जो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पहली लाइन क्या दी हुई है, तो पहले सॉल्यूशन देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई, ये हमने ट्रायंगल बनाई, तो राइट एंगल एट बी, तो ये मतलब बी एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी, तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होगा यानी कि एच, ठीक है। तो अभी हम टैन ए की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसको गिवन दिया हुआ है हमें, टैन ए गिवन, टैन ए इज इक्वल टू 1/√3। तो अभी फॉर्मूला लगा के ये देख लेते हैं कि इनमें से परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टैन के लिए क्या फॉर्मूला था, पी ओवर बी, यानी कि 1 हमारा पी है यानी कि परपेंडिकुलर, और अंडर 3 क्या है बेस। तो अभी यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, ए एंगल, तो ए एंगल हमारा थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो ए एंगल हमारा थीटा, और थीटा के बिल्कुल सामने क्या है पी एंगल, यानी कि बी सी हमारा पी होगा। तो पी की वैल्यू क्या है 1, और ये हमारा होगा बेस, बेस कितना आ गया √3, ठीक है। तो अभी हमें परपेंडिकुलर बेस भी पता चल गया, अभी हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एज इट इज, पी स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 1 की होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है हमारा √3 की होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की होल स्क्वायर 1 प्लस √3 की होल पावर 2 करोगे तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर से हमेशा √ कैंसिल हो जाता है। तो √3 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा √, तो h इज इक्वल टू √4। और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो अभी 2 से √ कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो h हमारा 2 है, ठीक है। अभी हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गई, और हाइपोटेन्यूज भी पता चल गई। अभी हम पहले सम को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा पहला सम देखिए क्या है, तो पहला सम की स्टेटमेंट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अभी यहाँ पे देखिए एंगल जो है चेंज है, यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे सी एंगल है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ए एंगल है उसके, वो तो सेम ही रहेगा हमारा परपेंडिकुलर बेस, अभी यहाँ पे सी एंगल के लिए हमारा जो है परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सब की अलग से वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए कितना है हमारा, यहाँ पे एंगल सेम ही है, ए एंगल को मान के किया हमने सारा, तो साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी ओवर एच, तो हमारा पी कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो साइन ए हमारा कितना है 1/√2। अभी यहाँ पे हमें साइन सी को निकाल लेते हैं, पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे देखिए एंगल सी है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि एंगल सी की हमें बाकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें कॉस सी भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम वैसे डायग्राम, ए बी सी, बी एंगल हमारा 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज, तो एच की वैल्यू क्या थी 2। अभी यहाँ पे देखिए एंगल सी है, तो एंगल सी हमारा यहाँ पे थीटा एंगल होगा,
और ये हमारा होगा परपेंडिकुलर थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारा होगा बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा अंडर रूट थ्री और बेस कितना है वन। ठीक है, बस आपका जो परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वो सेम रहेगी, परपेंडिकुलर आपका अंडर रूट थ्री हो जाएगा और बेस वन हो जाएगा, वैल्यू मतलब उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अभी साइन सी का फॉर्मूला क्या है पी ओवर एच, फॉर्मूला सेम रहेगा, अभी पी की वैल्यू चेंज होगी तो क्या अंडर रूट थ्री बाय टू, एच कितना था टू, अंडर रूट थ्री बाय टू। तो साइन ए और साइन सी की वैल्यू निकाली, अभी कॉस ए और कॉस सी की निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस सी की निकाल लेते हैं, इस डायग्राम को हम फर्स्ट मानेंगे और इस डायग्राम को सेकंड। ठीक है, आप एक डायग्राम में भी कर सकते हो, मैंने आपको इजी करवाने के लिए दो डायग्राम्स बनाई। ठीक है, अभी कॉस सी निकालना है तो कॉस सी के लिए क्या फॉर्मूला होता है बी ओवर एच, तो बेस कितना है हमारा वन और एच कितना है टू। ठीक है, अभी कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए कितना है, कॉस ए के लिए फॉर्मूला सेम बी ओवर एच, तो कॉस ए के लिए हम फर्स्ट डायग्राम में करेंगे तो यहाँ पे कितना है बेस अंडर रूट थ्री और हाइपोटेन्यूज कितना है टू। ठीक है, अभी इन सभी वैल्यूज को हम जहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया। तो अभी साइन ए की वैल्यू क्या है वन बाय टू और कॉस सी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने वन बाय टू और कॉस ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री बाय टू और साइन सी की वैल्यू क्या थी अंडर रूट थ्री बाय। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वन बाय टू इंटू वन बाय टू क्या होगा वन पॉइंट फोर, और यहाँ पे अंडर रूट थ्री को अगर अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री, और टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, तो नीचे एलसीएम कितना आ गया फोर और ऊपर थ्री प्लस वन क्या है क्या आंसर आ गया हमारा वन। तो फर्स्ट सम का आंसर क्या आया हमारा वन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन। ठीक है, फर्स्ट सम का आंसर आया हमारा वन। अभी सेकंड सम को सॉल्व करते हैं, तो अभी सेकंड सम देखिए क्या है, सेकंड सम को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड सम की स्टेटमेंट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो वैल्यूज हमने सारी पहले निकाल के रखी हुई है, मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है, सेम वैल्यूज हमें यूज कर रही थी। ठीक है, तो अभी कॉस ए की वैल्यू की थी, कॉस ए की वैल्यू थी अंडर रूट थ्री बाय टू और कॉस सी की वैल्यू है वन बाय टू और साइन ए की वैल्यू थी वन बाय टू और साइन सी की वैल्यू थी अंडर रूट थ्री बाय। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अंडर रूट थ्री रह जाएगा ऊपर और नीचे क्या है टू इंटू टू फोर, ऊपर कितना है अंडर रूट थ्री नीचे कितना है, तो ये तो सेम ही आ गया, तो अंडर रूट थ्री बाय फोर माइनस अंडर रूट थ्री बाय फोर क्या होगा जीरो, तो ये हमारा आंसर आ गया जीरो। तो सेकंड सम का आंसर हमारा जीरो है। ठीक है, तो इस सम को आपको ऐसे सॉल्व करना है, बस आपको यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं ए और सी, इनके अकॉर्डिंग आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएगा। हम इसके लिए आपको एक एक डायग्राम तो बनाएंगे उस, और एक डायग्राम अलग से बना लीजिए जिसमें एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर बेस होगा और फर्स्ट डायग्राम में आपका ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस होगा। वैसे आप एक में भी कर सकते हो, आप उलझोन है इसलिए मैंने आपको सेकंड डायग्राम बनवा के करवाया, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, इससे क्या आपका सम गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाए। ठीक है, तो इस सम को आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो अगर इसमें फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतने ही, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक यू।